हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यू रिंग लाइट लेते हैं तो उसे आप असेंबल कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोग न्यू रिंग लाइट लेते हैं तो उनको असेंबल करने का तरीका नहीं पता होता, क्योंकि वो काफ़ी पीसेज में होती है, सारे स्पेयर पार्ट मीन्स के उसके लहता लहता होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप उसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और मतलब रिंग लाइट की शेप में कैसे ला सकते हैं। तो व्यूवर्स, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, जब आप बॉक्स में से सारे स्पेयर पार्ट निकालते हैं तो ये वाले स्पेयर पार्ट आपके पास होते हैं। एक स्टैंड होता है, लाइट होती है और ये कुछ दो तीन स्पेयर पार्ट होते हैं साथ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सेट करना है। पहले स्टैंड, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये नीचे वाली जो चूड़ी है इसे ओपन करना है। इनको भी ओपन कर लेना है, दोनों को हल्का हल्का थोड़ा सा। अभी मैं आपको ये देखें, ये करके दिखाता हूँ। व्यूवर्स, हम इसको जो है ना, इस चीज़ को हमने ढीला किया है और अभी हम इसको इस तरह ऊपर से जोर देते हैं। ये देखें, स्टैंड हमारा नीचे खुलता जा रहा है। ये देखें, स्टैंड हमारा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हमने जितना नीचे करना है उतना नीचे करके इसे हम यहाँ पे फिट कर देंगे। और बाकी ये इसकी हाइट के लिए हैं। ये देखें, ये दो हैं। फर्स्ट ये है, इसको हम इस तरह खींच के ऊपर निकाल सकते हैं जितना हम निकालना चाहें। तो मैं इसे ऊपर को खींच के निकाल लेता हूँ। व्यूवर्स, अभी सिर्फ मैंने एक स्टेप को ऊपर निकाला है और ये कितना बाहर निकल आया। और इसको इस तरह मीन्स के ऊपर निकाल के यहाँ से हमने इसको टाइट कर देना है ताकि ये नीचे ना आए। और अभी ये स्टेप टाइट हो गया। अभी ये दूसरा है, इसे भी आप देखें, इसे भी सेम इसी तरह करके और इसको भी जो है ऊपर निकाल लेना है। ये देखें, ये बेसिकली 7 फीट वाली रिंग लाइट है तो इसी वजह से इसकी हाइट 7 फीट है। व्यूवर्स, इसके बाद हमारे पास ये तीन चीज़ें बचती हैं, ये तीन स्पेयर पार्ट इसके। अभी इसका तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। और ये जो दो चीज़ें हैं ना, बाद लोग इस तरह करते हैं कि इसको इस जगह से घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस जगह से नहीं घुसेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो होल्डर रहता है जो मोबाइल को ये होल्ड करता है, आपने इसके पीछे ये लगा पेच ओपन करना है, ये नट सा ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने इसको इसके अंदर देना है, ये जाएगा नहीं, हल्का सा जोर लगाना है। हल्का सा जोर लगाएंगे तो ये देखें, ये यहाँ पे फिट हो गया है। फिर नीचे वाली साइड से इसको इस तरह ऊपर ले जाना है और इसको जो है यहाँ से आपने बंद कर देना है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसे जो है फुल टाइट कर दिया है, ये भी फुल टाइट हो गया। ये देखें, ये इसके अंदर अब हिल सकता है। व्यूवर्स, अभी जो हमारी रिंग लाइट है, ये देखें, हमारी रिंग लाइट के बैक साइड पर ये निशान सा होगा, तो हमने इसे जो है ना, इसका जो यहाँ पे मोबाइल लगेगा ये रुख लाइट वाली साइड पे करके, तो हमने इसे जो है ना इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये देखें व्यूवर, ये इंसर्ट हो गया है। और ये इसका, अब ये मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारा मोबाइल लग जाएगा। ठीक है, इसे आप इस तरह आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स, ये वाला इसका पार्ट आपके पास रह जाएगा, तो इस पार्ट को आपने इसके ऊपर लगा देना है, ये रिंग लाइट के ऊपर वाली जगह के ऊपर। ये देखें, यहाँ इसके अंदर इसकी चूड़ी है तो ये यहाँ पे जो है ना आराम से लग जाएगा। ये देखें, इस तरह इसको यहाँ पे लगा दें, इसे फुल टाइट कर दें। व्यूवर्स, फाइनली मैंने इसे टाइट कर दिया है और ये टाइट हो गया है। अभी ये वाला आपने लूज रखना है, इसे लूज रखेंगे तो ये घूम सकेगा इजीली। तो अभी इसके ऊपर हमने रिंग लाइट लगा देनी है। देखें, रिंग लाइट के नीचे वाली साइड पे ये अंदर चूड़ी होगी इसके, तो इसको इस तरह आपने इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, टाइट कर देना इसे, ये इस तरह इसे हमने टाइट करते जाना है रिंग लाइट के अंदर। ये लूज करेंगे ना तो ये घूम के इजीली टाइट हो जाएगा। अभी हमने अपनी जिस जगह के ऊपर भी रिंग लाइट की पोजीशन सेट करनी है, हम उस जगह पे रिंग लाइट की पोजीशन सेट कर सकते हैं। व्यूवर्स, अभी हम यहाँ से इसकी लाइट को एक मरतबा प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो गई है। मैं दिखाता हूँ, ये देखें, काफ़ी लाइट है, लाइट इसकी ऑन हो गई है। यहाँ से कलर चेंज हो गए, ये देखें, बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। ये देखें, यहाँ से कलर चेंज होंगे और यहाँ से हर कलर को आप कम भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं ब्राइटनेस इसकी। ये
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।